हेलो फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी ठीक हैं, बट कुछ प्रॉब्लम के चलते दोस्तों मैं 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है बॉडी को, तो मैंने सोचा आप लोगों से ब्लॉग बना के बातें कर लूँ। क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा बीमार होती हूँ ना, तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ ब्लॉग से करने वाली होती हूँ मैं, और मैं भी बीमार पड़ जाऊँ दोस्तों कुछ ब्लॉग नहीं आ पाता है। और बेटी की भी तबीयत पहले से दोस्तों सही है, सुधार आ रहा है, दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम के 7:15, और मैं देखिए हीटर पे बना रही हूँ सब्ज़ी। मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटी, जो पका के रोटी बनाऊँगी। तो दोस्तों आंधी और बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैं सोच रही फटाफट से खाना बना लूँ। तो दोस्तों देखिए जो बेटी रो रही थी बाबू, तो क्या बोलूँ यार, इसको खिलाने वाली सिर्फ मैं अकेले मैं ही होती हूँ, और मैं ही इसको नहीं लेती हूँ, ये बहुत रोती है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और देख तो देखिए मेरे आज मेरे अजीब सा लग रहा है ना मेरा फेस, क्योंकि मेरे कानों में कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैंने ना मम्मी जी बाहर गई थी, तो मैंने उनको उतार के दे दिए थे। तो दोस्तों अब मैं सोचती काफ़ी लंबे समय से, मतलब 10 महीने शादी हुई है, तो मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं हुई है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो मेरी लव मैरिज हुई थी, मैंने लव मैरिज करी थी। तो दोस्तों मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, तोड़िया थी, तोड़िया भी टूट चुकी हैं बुरी तरीके से। तो अब मेरे शरीर पर कोई भी ज्वेलरी नहीं है, ना ही कान में ऐसे थे, ना मेरे पास तोड़िया। अब मैं सोच रही अब बहुत चीखती है ये, तो अच्छा बंद में जाऊँगी, तो मैं सारी ज्वेलरी बनवा के जाऊँगी। मेरा खुद से कल मैंने कोई भी बनवाया ना बनाया, बट मैं इसकी तैयारी कर सकती। तो दोस्तों किस किस को लौकी की सब्ज़ी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे तो पसंद है, बट इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है मुझे। मैं इसका रायता बहुत पसंद है, लौकी का रायता मुझे बहुत पसंद। सच में यार एक तो बड़ी मुश्किल से मैं मतलब फ़ोन लेके बैठती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, उस पर भी ये मेरी दादी है ना, ये मेरी ब्लॉग नहीं बना तो क्या करूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ज़रा सी मेहनत लगती है ना, किसी दोस्तों समझ सकते हैं, सच में बहुत मेहनत लगती है, मतलब ऐसा नहीं है ब्लॉग बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती दोस्तों, बट घर के सारे कामों से फ्री हो गए, बच्चे को संभाल करके भी ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों मेरे बन के तो करा दीजिए, कितने दिन हो गए आप लोगों ने अभी तक मेरे बन के ही नहीं कराया, प्लीज़ दोस्तों मेरे बन के सब्सक्राइबर करवा दीजिए यार, आई रिक्वेस्ट यू सच में यार, मुझे कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, क्या बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी दोस्तों कहते हैं ना अरेंज मैरिज करते हो, सारी सुविधाएँ आपको खुद खुद मिल जाती है, पता यार लंबा मैरिज में ना कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब कुछ करना जिंदगी पर कभी लव मैरिज मत करना, मुझे सच में गलत बन जाती है। लाइफ पार्टनर हो तो अच्छा बन जाती है, बट लाइफ पार्टनर सही ना होना फिर दोस्तों लाइफ पार्टनर कितना भी अच्छा हो दोस्तों कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसका हमारी लाइफ पे। तो प्लीज़ आप लोग लव मैरिज कभी भूल के ना करें, मैंने किए मैं पछता रही हूँ आप लोगों से बता रही हूँ। दोस्तों आप वीडियो को आप लोगों को कैसे लाइक कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों मेरी सब्जी जल रही है, तो मैं फटाफट से ब्लॉग करती हूँ। 8 PM नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टाटा बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।